गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और पेस्ट कर देना है। ऐसे पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मोनेटाइज होने के बाद बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। अगर आपके चैनल पर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आई हुई है और लिखकर आ गया है रियूज्ड कंटेंट, और अब आपको अपील करने का एक ऑप्शन दे रहा है, अपील करने के बाद आपके सामने कुछ अब इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरी देख लेंगे, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं था कि अपील वीडियो बनाने के लिए क्या क्या काम करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके चैनल पर प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहां पर है, आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां है। क्या आपके चैनल पर वीडियो में प्रॉब्लम है, थंबनेल में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, या फिर आपके चैनल पर प्रॉब्लम है ही नहीं, यूट्यूब को बाई मिस्टेक लग रहा है। अब आपको ये फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आप अपना चैनल ओपन कर लेना। चैनल ओपन करने के बाद आप योर चैनल पर क्लिक कर लेना। आप योर चैनल पर जब आ जाते हो तब आपको आपकी वीडियो इस टाइप से दिखने लगती है। उसके बाद आपको वीडियोज पर आना है। वीडियोज पर आने के बाद पॉपुलर वीडियो पर आना है। पॉपुलर वीडियो पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपकी सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो है वो कौन सी है। अब आपने जैसे ये वीडियो है मोस्ट पॉपुलर वीडियो, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पर ये वीडियो प्ले हो रही है। अब मैं आपको इसमें से थोड़ा सा आवाज सुनाता हूँ। जो जवाब मिला जानने के बाद आप कभी अपने संघर्षों का रोना नहीं रोएंगे। बात है एक बार की, जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ये आवाज सुनने के बाद आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि ये वीडियो में AI वॉइस जनरेट की गई है, राइट? AI वॉइस जनरेट करने के बाद क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, आपका बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका आंसर। गूगल पर लिखिए AI वॉइस वीडियोज आर मोनेटाइज, यस और नो लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत अस्पष्ट शब्दों में लिखा है यस, आपका वीडियो मोनेटाइज होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में समझने वाली बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको कोई यूट्यूबर ये बात नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, वो बड़े हो चुके हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं आप समझ जाते हो, लेकिन उनकी बातें आप मानो, जहाँ सही है वो मानो, जो सही नहीं है उसे नहीं मानो। प्लीज़ आपसे बोल रहा हूँ, समझो बात को। यहाँ पर लिखा है यस यू कैन मोनेटाइज एन AI वॉइस ओवर वीडियो ऑन यूट्यूब। आप अपनी वीडियो के ऊपर AI वॉइस ओवर करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। हाउएवर देयर आर ए फ्यू थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में रखने की है, याद रखने की है। याद रखोगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। कौन सी बातें हैं? फर्स्ट, योर वीडियो मस्ट कंप्ली विथ YouTube's मोनेटाइजेशन पॉलिसी। आपकी वीडियो प्रॉपर यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बीट कर रही हो, पहचान रही हो, समझ रही हो, तभी आप वीडियो अपलोड करेंगे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है? हमने यहाँ पर आ जाता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जब ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाता है तब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यूट्यूब क्या क्या आपके चैनल पर चेक करता है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो, आप बहुत वीडियो बना लोगे 500, 100, 200, 300, लेकिन आपका चैनल ही यूट्यूब जब ना मोनेटाइज करे तो उससे बेनिफिट क्या है वीडियो बनाने का? वीडियो एक हो चैनल मोनेटाइज हो वो बेनिफिट है, 100 वीडियो हो एक भी रुपए ना आ रहे हो कोई फायदा नहीं है, समझो बात को। यूट्यूब कहता है कि जब आपके चैनल को हम रिव्यू करते हैं तो क्या देखते हैं। सबसे पहले यूट्यूब आपके चैनल को चेक करता है आपके चैनल की मेन थीम। अब मेन थीम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चैनल है, इस चैनल पर देखेगा कि सबसे ज़्यादा वीडियो किस कैटेगरी में डाली गई है। जैसे कि इनके चैनल पर धार्मिक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, धार्मिक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो, तो इनका थीम हो जाएगा रिलीजियंस थीम, ठीक है, रिलीजियस थीम, या फिर आप भक्ति थीम डाल सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला तो यूट्यूब को ये लगेगा कि इनका चैनल भक्ति से रिलेटेड है। उसके बाद यूट्यूब ये देखेगा कि इनके चैनल पर जो मोस्ट व्यूज वाली वीडियो है, सबसे ज़्यादा व्यूज जिस वीडियो पर आया है वो कौन सी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा व्यूज वाली जो वीडियो है वो ये है, इस वीडियो पर इनके कितने व्यूज आए हैं वो भी यूट्यूब चेक करेगा, पूरी वीडियो देखेगा अच्छे तरीके से। उसके बाद सबसे नई वीडियो, जैसे कि जब अपील की गई है उसके पहले कौन सी वीडियो अपलोड की गई है, अपील करने के पहले कौन सी वीडियो अपलोड की गई है, लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करना, ये वीडियो आपकी यूट्यूब चेक करेगा। मतलब कि जब आप अप्लाई कर रहे हो या फिर अपील कर रहे हो तो उसके पहले जो वीडियो अपलोड की है वही वीडियो यूट्यूब चेक करेगा, और सबसे व्यूज ज़्यादा वाली वीडियो चेक करेगा यूट्यूब, ये बात ध्यान रखना। अब आगे आपको और बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है बिगेस्ट
प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम। इसका मतलब यह है कि आपकी उस वीडियो को YouTube चेक करेगा जिस वीडियो से आपको ज्यादा वॉच टाइम मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ये चैनल है, इस चैनल पर हम यहाँ पर अगर इनके चैनल पर क्रिएटर स्टूडियो पर चलते हैं, क्रिएटर स्टूडियो पर चलने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये क्रिएटर स्टूडियो पर चलने के बाद यहाँ पर मैं अब चलूँगा एनालिटिक्स में। चल लो एनालिटिक्स में चलने के बाद अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज वाली वीडियो ये है, देखो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर वॉच टाइम वाली वीडियो, देखो इस वीडियो को क्लिक करो। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आप इसकी वॉच टाइम देखो 56 घंटे यहाँ पर मिले हैं। ऐसे ही आपको अपनी वीडियो पर देखना है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज हो, उस वीडियो को देखना है किस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है, इस पर 15 घंटे मिले हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे मान लो इस पर 1 घंटे 53 मिनट 58 सेकंड की ये वीडियो है, इस वीडियो को हम यहाँ 1 घंटे 53 मिनट 58 सेकंड वहाँ दिखा रहा था, इस पर हमें सबसे ज्यादा व्यूज मिला है, इस वीडियो को हम चेक करेंगे। अभी सुनाता हूँ आपको ये वीडियो चेक करने के बाद। महाभारत के 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया, कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ करोड़ों योद्धा नहीं लेंगे। इस वीडियो पर सिर्फ 267 व्यूज आए हैं, लेकिन इस वीडियो पर जो यहाँ पर वॉच टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 507 घंटे। ये मेरे हिसाब से 507 घंटे किस तरीके से आए आई डोंट नो व्हाई, बट इस पर आए हैं। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 घंटे 53 मिनट 58 सेकंड दिखा रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि इस वीडियो में प्रॉब्लम है, इस वीडियो में प्रॉब्लम है। तो हम एक काम करेंगे, इस वीडियो के डिटेल पर जाएंगे, और डिटेल पर जाने के बाद यहाँ पर हम प्राइवेट करेंगे इस वीडियो को। प्राइवेट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। समझ में आई ये बात आपको? जैसे कि YouTube ने गाइडलाइन बताई है अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी, वैसे ही हमें देखना है। बिगेस्ट प्रोपरेशन ऑफ वॉच टाइम, मैंने देखा बिगेस्ट प्रोपरेशन ऑफ वॉच टाइम, जिसमें हमें प्रॉब्लम लगी हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। अब यहां पर आपको और बातें दिखाता हूं और समझाता हूं। अब लास्ट में YouTube कहता है कि मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो के लिए। मेटा डाटा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेटा डाटा में होता है आपका टाइटल, आपका थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने वीडियो में थंबनेल क्या लिखते हो, टैग क्या लगाते हो, डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी वीडियो पर अगर आपने एक जैसा बार 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 करते चले गए तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे जितनी बार अपील कर लो। ये बातें समझ कर करने के बाद उसके बाद आपको एक अपील करना है। अपील करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। अपील करने के लिए आपको चैनल पर आना है। चैनल पर आने के बाद यहाँ कंटेंट पर क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करना, अपलोड वीडियो पर क्लिक करना, सिलेक्ट फाइल कर लेना। उसके बाद आपको अपील पर क्लिक करना है, अपील वीडियो आपको सिलेक्ट करनी जो आपने अपील की वीडियो बनाई है। हेलो डियर टीम, ये अपील मेरे चैनल का नाम। अभी इस अपील की वीडियो को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। वीडियो हमेशा 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर आप अपने चैनल का ही वायरल दिखा देना अपनी वीडियो के अंदर एडिट करते टाइम। एंड आपकी वीडियो अगर हिंदी में बनी है तो आपको सबटाइटल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली लैंग्वेज में अगर वीडियो बनाई है तो सबटाइटल नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई समझता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब अपील जब कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है अपील फॉर मोनेटाइजेशन डियर टीम यूट्यूब। उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको थंबनेल नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर नीचे इस पर नो पर क्लिक कर देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय आपको वीडियो अपलोड करने के। वीडियो आपकी अपलोड होगी, जैसे यहाँ 9 मिनट दिखा रहा है, अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अनलिस्टेड करके ये जो ऑप्शन दिखा रहा है अनलिस्टेड, इस पर क्लिक करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्लोज कर देना है और थोड़ी देर तक वेट करना है जो वीडियो आपने अपलोड की है। ये पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये वीडियो अनलिस्टेड लिखकर आ जाएगा, तो यानी कि ये वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे किस वीडियो पर अभी सबसे ज़्यादा व्यूज और आए हैं, तो हम उस वीडियो को यहाँ पर प्राइवेट करते चले जाएंगे। जैसे इस वीडियो को भी प्राइवेट कर देते हैं, जितने व्यूज वाली वीडियो है और जिस पर हमें डाउट लग रहा है उन वीडियो को हम यहाँ पर प्राइवेट करते चलेंगे। और आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आपके टाइटल में कोई हैशटैग ना लगा हो जब आप अपील कर रहे हो, राइट, ये बात ध्यान रखना। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, लेकिन ये सब चीज़ें लगाने से आपका चैनल, आपकी वीडियो सिक्योर रहती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट, ये बात ध्यान रखना। अभी यहाँ पर अनलिस्टेड दिखा रहा है आपके सामने, हो गई है वीडियो हमारी अपलोड। अब हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करेंगे, अर्न पर क्लिक करेंगे, और अर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट अपील पर क्लिक करेंगे।
अपील जो कि हमें 13 मार्च तक करने के लिए टाइम मिला हुआ है, लेकिन हम इसको पहले ही करेंगे क्योंकि हमें अपील पहले ही कर देना है। तो अपील पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या बनाना है। अपील इन योर वीडियो सपोर्टेड लैंग्वेज पर क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, मैंने आपको लैंग्वेज जो बता दी वही लैंग्वेज है। फिर यहां पर लिखा है कीप योर वीडियो अंडर 5 मिनट, आपकी वीडियो 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए। सो और मेंशन योर चैनल यूआरएल विद इन द फर्स्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आप कह रहे हैं कि वीडियो का यूआरएल लगाएं। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड के अंदर ही लगा देना, यूट्यूब को जितना जल्दी आप जो चीज बता दोगे समझा दोगे जितना अच्छे से समझा दोगे वो इतनी ही जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर यहां पर लिखा हुआ है मेंशन रिव्यूअर्स फीडबैक एंड टेल अस व्हाई इट्स मिस्टेक, टॉक अबाउट होल चैनल नॉट जस्ट वीडियो दैट फॉलो आवर पॉलिसी, प्रोवाइड विजुअल एग्जांपल ऑफ हाउ क्रिएट वीडियो इंक्लूडिंग हाउ टू फिल्म एंड एडिट देम। आपको जब अपील वीडियो बनाना है तो उसमें ये बताना है कि YouTube ने आपके वीडियो को क्यों रिजेक्ट किया, प्लस आपको ये दिखाना है आप एडिट कैसे करते हो, वीडियो बनाते कैसे हो, शूट कैसे करते हो। ये सारी चीजें दिखाने के बाद आपको 5 मिनट से छोटी वीडियो बनाकर अनलिस्टेड करके अपलोड करना है, उसके लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद यहां पर आना है और पेस्ट कर देना है, ऐसे पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर लिखकर आ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मोनेटाइज होने के बाद बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।